गुड इवनिंग। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कौन सी चीज है कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होगा उस सेमीकंडक्टर मटेरियल की हम लोगों ने देखी कि क्या देखी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी बराबर है। उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पहले तो चीज हम लोगों ने यह सीखा कि एक इस तरह का मटेरियल देखा था जैसे कि हम लोगों ने बोला प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसको हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम लिया था जिसपे हम लोगों ने उसके एनर्जी बैंड के बारे में देखा। उस एनर्जी बैंड में क्या देखा बेटा बोलो कि दो तरह के हमारे एनर्जी बैंड बनेंगे। एक हमारा बैंड बना था कौन सा वाला दैट इज वैलेंस बैंड और उस वैलेंस बैंड के बाद हमारा बना था कंडक्शन बैंड और किसी भी मटेरियल की वैल्यू दैट इज लेस देन मतलब एनर्जी बैंड किसका कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड के बीच का जो गैप हुआ था करता था उस गैप को हम लोगों ने क्या बोला था फॉरबिडन गैप। और वो फॉरबिडन गैप क्या होता है हमारे वैलेंस बैंड के अपर लाइन से लेके कंडक्शन बैंड के लोअर लाइन के लिमिट तक का होता है वो डिस्टेंस बराबर है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में हो और उसको अगर कंडक्शन करवाना हो मतलब उसके वैलेंसी फुलफिलिंग के बाद उसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हुआ करता था तो हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया था हम लोगों ने थर्मल एजिटेशन से उस इलेक्ट्रॉन को किसमें पार्टिसिपेट करवाया कंडक्शन बैंड में पार्टिसिपेट करवाया बराबर है। तो अगर इंसुलेटर देखा जाए या फिर कंडक्टर देखा जाए या फिर सेमीकंडक्टर देखा जाए तो उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको एनर्जी प्रोवाइड की और सबसे ज्यादा इंसुलेटर को लगा करती थी एनर्जी। और अगर मेटल के बारे में बात करें तो वहां पे हमारी कंडक्शन बैंड एज वेल एज कौन सा वैलेंस बैंड क्या हुआ करते थे ओवरलैप हुआ करते थे। तो अगर मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं लाइक सिलिकॉन या जर्मेनियम तो मैंने बताया आपको सिलिकॉन के लिए कितनी आपको एनर्जी गैप मिला करती थी 1.17 आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे जर्मेनियम के लिए कितना दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हमारी एनर्जी मिलती थी और उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको अगर उतनी एनर्जी प्रोवाइड की तो वो इलेक्ट्रॉन जंप क्या करता था कहां से कंडक्शन बैंड से लेके कहां पे वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड में बराबर है। तो यहां पे हम लोगों को पता चला कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगी और उसका नाम है बेटा कौन सा दैट इज टेम्परेचर। यदि हम लोगों ने टेम्परेचर को राइज किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करा किया वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड में क्या किया वो जंप करता है। इसका मतलब जंप करना मतलब अपने वैलेंसी से निकल के वो बाहर फ्री हो जाएगा एंड देन मटेरियल टू मटेरियल दैट एनर्जी इज वेरी हम लोगों ने ये सीखा बराबर है। तो अब हम लोग अगर हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ना उसको मतलब उसकी कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ थर्म पे आधारित ना रखते हुए मतलब टेम्परेचर पे आधारित ना रखते हुए अगर हमको बढ़ानी हो तो किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है तो टेक्निक उसको क्या किया जाएगा जो भी इंट्रेंसिक मटेरियल होगा जो इंट्रेंसिक का मतलब होता है प्योरली सेमीकंडक्टर मटेरियल उसको क्या करना पड़ेगा उसको बेटा क्या करना पड़ेगा डोप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डोप। तो इसलिए हेडिंग दिया है दैट इज डोप्ड इंट्रेंसिक कंडक्टर। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहली चीज तो समझ लीजिए कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल सेमीकंडक्टर क्या होता है यह हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में जो भी आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल के तौर में हम लोगों ने देखा ओनली जैसे कि सिलिकॉन या फिर ओनली जर्मेनियम यह होगा हमारा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इस इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग क्या करने वाले हैं डोप करने वाले हैं डोपिंग करने वाले हैं तब जाके इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सो हम लोग लिख सकते हैं कि टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वी डोप इट ओके देन दिस मटेरियल देन दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो किसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं बोलो टू इंक्रीज द थर्मल कंडक्टिविटी। इसके वजह से थर्मल कंडक्टिविटी क्या होने लगेगी बढ़ने लगेगी। तो जैसे हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ले जैसे कि एग्जांपल में मैंने बोला ऑलरेडी कौन सा दैट इज सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी बेटा बोलिए कि हम लोगों ने एक चीज सीखी कौन सी कि उसकी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ होल हुआ करता था बराबर है। जिसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि करंट कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन का करंट इज इक्वल टू दैट इज होल का करंट हुआ करता था बराबर है।
और जिसमें हम लोग लिखा करते थे कि करंट टोटल कितना मिला करता था, दैट इज आई प्लस आई एच, इस तरह से मिला करता था, बराबर है। हम लोगों ने सीखा इसके दो तरह के बैंड सीखे बेटा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा ये वैलेंस बैंड था और ये कौन सा हमारा, दैट इज कंडक्टिंग कंडक्शन बैंड था। अगर हम लोगों ने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने के बाद यहां से क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स दो थे ऑलरेडी जो वैलेंसी फुलफिल कर रहे थे, ये उठ के कहां पे चले गए थे, हमारे कंडक्शन बैंड में। तो जितने आपके होल्स बने थे उतने ही क्या बने थे, इलेक्ट्रॉन्स बने थे। इलेक्ट्रॉन्स क्या कहां पे गए थे, फ्री हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी कौन से दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक होल होगा और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या इस पे मैं ऐसे टर्म यूज कर सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या अलग अलग होगी, एग्जैक्टली नहीं, दोनों की संख्या कैसे होगी, सेम होगी। और ये किसके वजह से डेवलप, किसके ऊपर डेवलप करेगा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे बेटा कि इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, बराबर है। और मुझे बताइए, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और इसका कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा, ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। वी नो दैट दैट अल्फा ऑफ दैट पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर इज क्या, उसका कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, बराबर है। इसके ऊपर से हम लोगों ने कंसेप्ट लगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्या होगा, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, दैट इज डोप्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज बेसिकली नोन एज एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग डोप करेंगे। क्या ये वर्ड आपने सुना है, डोप, या फिर डोपिंग नाम का कंसेप्ट, क्या कभी सुना है डोपिंग? ये आपने सुना होगा कभी ओलंपिक्स में, मगर जो कोई जो प्लेयर्स होते हैं तो वो डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब अपने एक्सटर्नल कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो इसके वजह से जब फाइनल वगैरह कुछ मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, उस समय उनका ब्लड जो होता है चेक किया जाता है, और अगर वहां पे वो डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए तो उनको उनका जो मेडल भी मिला होगा वो कैंसल हो जाता है, उनको रिटर्न कर दिया जाता है और उनको उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन चढ़ाए जाते हैं। तो ये होता है डोपिंग, की एक्सटर्नली हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो उसी को हम लोग बोल सकते हैं, उसी प्रोसेस को डोपिंग बोल सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो आपके हैं डोपेंट्स, क्या होते हैं डोपेंट्स, डोपेंट्स मतलब वो मटेरियल, जो मटेरियल हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे किसके अंदर, उस मटेरियल के अंदर, बराबर है। समझ में आया? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपेंट, दैट मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट दैट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू द एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, बराबर है। तो ये क्या रहा हमारा, दैट इज दीज आर दी इंप्यूरिटीज। तो डोपेंट्स मतलब ही क्या रहा, इंप्यूरिटी। ये क्या हमारे, बोलो, इंप्यूरिटी है। ये इंप्यूरिटी किसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टू कन्वर्ट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनटू द एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। सो इसके वजह से क्या होगा, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोगों ने इंप्यूरिटी को अगर क्या कर दिए, एड कर दिए, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर ही उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी, मतलब उसके टेम्परेचर के ऊपर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक होगा बेटा हमारा टेम्परेचर, और सेकंड जो होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्यूरिटी भी बोल सकते हो। बात समझ में आई कि किस हद तक, किस लेवल तक अगर हम लोगों ने उसमें इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, उसके हिसाब से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। यहां तक समझ में आया? सर अब ये इंप्यूरिटी कितने तरह के होते हैं और कौन सी इंप्यूरिटी होती है? तो बच्चा याद रखना यहां पर कि यहां पर जो थर्मल कंडक्टिविटी है बढ़ाने के लिए हम लोग जो इंप्यूरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस इंप्यूरिटी में दो तरह की इंप्यूरिटी इस्तेमाल करेंगे। एक होगा बेटा कौन सा वाला, दैट इज पेंटावेलेंट। कौन सा होगा? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। और एक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, या फिर एलिमेंट करके भी बोल सकते हो, या फिर हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ट्राइवेलेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अब पेंटावेलेंट एलिमेंट्स में अगर हम लोग देखें तो कौन से एग्जांपल्स आप बोल सकते हो बेटा? तो पेंटावेलेंट में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि आर्सेनिक भी हो सकता है जिसमें, ठीक है, जैसे बिस्मथ भी हो सकता है, उसके बाद आप
एंटीमनी भी इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह के पेंटावेलेंट, जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बात समझ में। और ट्रायवेलेंट एलिमेंट जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए, दैट इज बी भी यूज कर सकते, उसके बाद हम लोग इंडियम भी इस्तेमाल कर सकते, इस तरह के आपके अलग अलग एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते। ये रहे हमारे कौन से, दैट इज ट्रायवेलेंट एलिमेंट्स, जिसके आउटर ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके ज्यादा हो गए, ठीक है। और अगर पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी अगर हम लोगों ने ऐड किए तो क्या होगा, इससे जो आपका एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, उस एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे बेटा, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। यदि हम किसी भी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उस सेमीकंडक्टर को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। मतलब पी टाइप कौन सा रहा, ये एक्सट्रेंसिक हुआ या इंट्रेंसिक हुआ, एक्सट्रेंसिक हुआ। तो इंट्रेंसिक में हम लोग एक तो ट्राइवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट इस्तेमाल करेंगे, पेंटावेलेंट इस्तेमाल करेंगे तो उस एक्सट्रेंसिक को एन टाइप, और ट्राइवेलेंट इस्तेमाल करेंगे तो उस एक्सट्रेंसिक को पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, बात समझ में आई। और यह चीज भूलना नहीं है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक होगा हमारा टेम्परेचर और दूसरा होगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्यूरिटीज, यह समझ में आया। और इसके आधार पर हम लोगों ने दो तरह से इसके इंप्यूरिटीज बनाए हैं, एक हमारा पेंटावेलेंट, एक हमारा हुआ ट्राइवेलेंट। आई बात समझ में, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, अब इस पूरे प्रोसेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कौन सा वाला, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, देखिएगा। अब बेसिकली हम लोगों ने जब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर लैटिसेस देखे थे, याद होगा आप लोगों को, जैसे कि आप मान के चलेंगे सिलिकॉन, क्या मान के चलेंगे, तो सिलिकॉन के बीच में हम लोगों ने इंप्यूरिटी ऐड की कौन सी, पेंटावेलेंट। तो मैंने अभी बोला जब पेंटावेलेंट एलिमेंट को अगर हम उसमें इंप्यूरिटी पर्पस के हिसाब से अगर इस्तेमाल करें या फिर ऐड करें तो एन टाइप बनेगा, वही हम लोग देख रहे हैं। तो मान के चलो कि हम लोगों ने यहां पे एक अर्सेनिक लिया है, और ये अर्सेनिक के, अर्सेनिक ने क्या किया, अपने सराउंडिंग वाले किसके साथ, सिलिकॉन के साथ क्या किया, उसने बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से, बराबर है। तो जब ये बनाएगा तो यहां पे देखिए क्या होगा, इस तरह से, ठीक। तो मुझे बताइए, हर कोई सिलिकॉन अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाजू वाले के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से क्या हुआ, ये कितने उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, कितने बनेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। लेकिन अगर मैं पेंटावेलेंट जैसे कि अर्सेनिक का इस्तेमाल करूं तो अर्सेनिक क्या करेगा, अपने उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 5। तो उसके साइड वाले के कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके वो अपने साथ कोवेलेंट फॉर्म करेगा, 4। खुद के कितने रखेगा वो, 4, और उसमें से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर की यहां पे कहीं पे होगा। तो मुझे बताना है यहां पे कि वो खुद के 4 और साइड वाले के, अब देखो साइड वाला जो सिलिकॉन होगा उसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, ये वाला भी करेगा, क्योंकि उसको खुद को चाहिए कितने, 4, तो बाजू वालों से वो लेते जाएगा, बराबर। तो ये अगर लेगा तो एक यहां से, एक यहां से, एक और यहां से एक, ऑब्वियस ही बात है कि अर्सेनिक को जबरदस्ती या फिर ना चाहते हुए भी अपने साइड वाले से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े, लेकिन उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन से, 5। तो खुद के वो 5 रखेगा और साइड वाले 4 रखेगा, साइड वाले से नेबरिंग के साइड से क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और अपना ऑक्टेव कंप्लीट करेगा। बट अगर वो पेंटावेलेंट होगा तो इसका मतलब ये कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के वो क्या है, फ्री हो गया है। अब मुझे बताइए, इस तरह की प्रोसेस अगर देखते हो तो जितना आप अर्सेनिक को ऐड करते जाओगे उतने उतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से वैलेंसी फुलफिल करने के लिए काम में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पे आपकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा। इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं बाय यूजिंग दी एनर्जी बैंड, बराबर। देखो किस तरह से, मान के चलो बेटा कि यहां पर मैंने यह बनाया कौन सा, यह हमारा कौन सा है कंडक्शन बैंड, और यह हमारा कौन सा, दैट इज वैलेंस बैंड, बराबर। दोनों के बीच में क्या रही, ये हमारी, हाँ, दैट इज ईजी, दैट इज फॉरबिडन गैप के बीच का एनर्जी, ये आपको पता है ऑलरेडी, बराबर है। अब तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो यहां पे मुझे बताइए वैलेंस बैंड में ऑलरेडी क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हम लोगों ने क्या करे थे, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते थे जिसके वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर जाते थे। तो जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो ये जो एनर्जी गैप जितनी होगी उतनी कम से कम आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपका एक बाहर निकल के ऑलरेडी बचा है,
ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी लेके रहेगा, तो ये कहां पे पार्टिसिपेट होगा? कंडक्शन के लिए पार्टिसिपेट होगा। किसके लिए? कंडक्शन के लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल दिमाग में डाल के रखनी है कि इसकी एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन दो विच इज सेपरेटेड फ्रॉम दी, या फिर दो इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट पार्टिसिपेट इन द वैलेंसी फुलफिलिंग, उसकी एनर्जी हमारे कंडक्शन वाले एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी हल्की सी क्या होगी? कम होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कहीं पे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कहीं पे होंगे। अगर मैं तो यहां पे अगर मैं देखता हूं, यहां पे ये जो गैप दिख रही है, ये लगभग आपकी गैप 0.054 इलेक्ट्रॉन, इतनी कम एनर्जी देने पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को कहां पे जाने के लिए? कंडक्शन। इन रियलिटी पर्पज ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें तो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम, मतलब 0.054 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देने पड़ेंगे किसके लिए? कंडक्शन करवाने के लिए। और ये वैल्यू हम लोगों ने रफली ली है, लेकिन ये जो आपकी परफेक्ट वैल्यू आपको दिख रही है ये बेसिकली सिलिकॉन एज वेल एज आर्सेनिक के लिए दी है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी वैरी हो सकती है उसके क्या बोलते हैं इंप्यूरिटी के हिसाब से, एलिमेंट टू एलिमेंट हल्की सी उसमें क्या आ सकता है चेंज। बट रिमेंबर वन थिंग कि इसकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि उसको अगर हल्का सा भी टेम्परेचर, या फिर अगर हम लोगों ने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, या फिर रूम टेम्परेचर में भी ये अचानक से क्या हो जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। आई बात समझ में? या फिर आप क्या करो, एनर्जी दे दो कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा दो तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? कंडक्शन में। अब यहां पे ध्यान से सुनना है, जो मैंने कंडक्शन बैंड निकाला बेटा यहां पे, और यहां पे हम लोग हमारी क्या है? वैलेंस बैंड। ये हमारा क्या रहा? कंडक्शन बैंड। अब यहां पे हमारे कौन से है? वो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी यहां पे बचे हैं, बराबर है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी एकदम, क्योंकि देखो ऑलरेडी एनर्जी गैप कितनी दिख रही है? 0.054, बराबर है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे? यहां पे जाएंगे। अगर यहां पे चले गए तो मुझे बताइए यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए इस तरह से। और अगर हम लोग फर्दर टेम्परेचर को बढ़ाए तो ऑलरेडी हमारे वैलेंसी में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे जो वैलेंसी फुलफिल कर रहे थे, बराबर है। और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर निकल जाएगा, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे निकल जाएंगे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल जाएंगे। तो यहां पे देखिए कंडक्शन बैंड में किसकी संख्या बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब डॉट्स की संख्या बढ़ गई। और आपके पास किसकी संख्या बहुत कम रेट पे है? किसके है? होल्स के रेट कैसे दिख रहे आपको? बहुत कम में दिख रहे। इसका मतलब यह कि जो आपकी मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो किसके आधार पर बैठेगा? इलेक्ट्रॉन पे। तो अभी मुझे बताइए ये हमारे क्या रहे? हमारे इलेक्ट्रॉन्स ये बेसिकली किसके काम करेंगे? ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे। क्या होंगे? मेजोरिटी चार्ज कैरियर। मतलब हमारा चार्ज कैरी करने का पूरा दारमदार किस पे होगा? इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि अब ये देखो सबसे ज्यादा संख्या इसकी बढ़ गई। आई बात समझ में? और अगर मैं होल्स के तरफ देखता हूं तो ये होल्स हमारे क्या नजर आएंगे? दैट इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्योंकि अब देखो ये जो होल्स क्रिएट होंगे, यहां से मान के चलो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाए तो यहां से एक आध इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सिलिकॉन का, तो यहां पे क्या बचा? एक होल बचा है। तो ये भी होल क्या करेगा? जब भी हम यहां पे क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इस तरह से, बराबर है। यहां पे क्या लगाया हम लोगों ने? माइनस लगाया। तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो सारे निकले हैं बाहर, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर डायरेक्शन पे मूव करेंगे, लेकिन ये होल्स भी किसके तरह काम कर रहे? इट एक्ट्स लाइक द पॉजिटिव चार्ज बेसिकली। सो व्हाट विल हैपन? ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो ये भी किसका काम कर रहे हैं? चार्ज कैरियर का। बट यहां पे रिमेंबर वन थिंग कि माइनॉरिटी होल्स बनेंगे और मेजॉरिटी क्या बनेंगे? डॉट्स। डॉट्स का मीनिंग रहा इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहां पे एक बेसिकली लिख सकता हूं कि क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इज ग्रेटर देन एनएच। तो यहां पर याद रखेगा दैट इज एनी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एनएच, बराबर है। जिसके वजह से हम लोग बोल सकते कि करंट बाय द इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन करंट बाय द होल। तो जो अगर टोटल करंट मिले तो टोटल करंट में हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज आई प्लस आई एच। लेकिन यहां पे याद रखना ये नियरली इक्वल टू हम लोग मान के ही चलेंगे कि ये आई के बराबर होगा, क्योंकि इस होल के वजह से जो करंट फ्लो होने वाला है ये ना के बराबर होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, जिसके से हम लोग लिखेंगे आई टी दैट इज टोटल करंट इज नियरली इक्वल टू दैट इज आई। आई बात समझ में? ये आई होप आपको क्लियर होगा होगा कंसेप्ट, क्लियर है। चलो अब, और ये जो एनर्जी गैप आपको दिखाई दे रही है हम लोग इसको आई ई या फिर डेल्टा आई ई से भी डिनोट कर सकते हैं, बहुत कम ये उसका रेंज होता है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग लेंगे दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर।
पी टाइप सेमी कंडक्टर। क्या होता है पी टाइप सेमी कंडक्टर में, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से, पहले हम लोग क्या करेंगे सेमी कंडक्टर लेंगे, ठीक। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया, इंप्यूरिटी ऐड कर दी, बराबर इंप्यूरिटी ऐड कर दी। तो मान के चलो ये हम लोगों ने लिया जर्मेनियम, ये भी क्या लिया जर्मेनियम, ये भी क्या लिया जर्मेनियम, ये भी लिया जर्मेनियम। इसमें मान के चलो हम लोगों ने इंप्यूरिटी ऐड कर दी, कौन सी वाली ट्राइवेलेंट। अगर ट्राइवेलेंट करेंगे तो उसके आउटर ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, तीन। अब यहां पर जो जर्मेनियम 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 दिख रहा है, ये यहां से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहां से शेयर करेगा, यहां से शेयर करेगा, यहां पर शेयर करेगा। तो इसके पास एल्यूमिनियम के पास बाकी के नेबरिंग चार एटम से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, चार। लेकिन उसके खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में है, तीन। तो जिसके वजह से आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, सात इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बराबर है। लेकिन एक जगह जो रहेंगी वो एक जगह आपकी क्या नजर आएंगी, खाली नजर आएंगी। तो जितने कॉन्सेंट्रेशन आपका किसका होगा ट्राइवेलेंट एलिमेंट का बढ़ते जाएगा, उसके हिसाब से किसकी संख्या बढ़ती जाएगी, होल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, बारह बात समझ में आई। अब देखिएगा सर ये होल्स किस तरह से काम करते हैं कंडक्शन के लिए, ये बहुत आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा बाय यूजिंग दी कंडक्शन एज वेल एज वैलेंस बैंड, मतलब एनर्जी बैंड के आधार से। जैसे कि मान के चलो ये हमारा कौन रहा वैलेंस बैंड, ये रहा हमारा कौन सा कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब यहां पर हमारे ऑलरेडी क्या थे बेटा बोलो, इलेक्ट्रॉन्स थे जो क्या कर रहे थे बोलो, वैलेंसी फुलफिल कर रहे थे, बराबर है। अब यहां पे जो आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स यहां पे कहीं पे नजर आएंगे इस जगह पे, ठीक बराबर। और यहां पे इसकी एनर्जी लेवल लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच से आसपास में होती है। अब देखिएगा मैं क्या करता हूं, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया इसको हल्का सा टेम्परेचर या फिर एनर्जी बढ़ाई, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर एजिटेशन, हाँ बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर हम लोगों ने बढ़ा दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसको मुझे बताइए यहां पे रिकम्बाइन होने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगेंगी, ज्यादा एनर्जी नहीं लगेंगी, उसको कितनी लगेंगी नियरली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इस होल के साथ रिकम्बाइन हो रहे, इसका मतलब ये कि हमारे जो होल्स किसके लिए काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, और यहां पे फिर से क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल्स क्रिएट होंगे, बात समझ में आई। अगर मैं यहां पे बोलता हूं तो मुझे बताओ यहां पे क्लियर कट आपको समझ में आती है कौन सी चीजें, कि जितने आपके होल्स रहेंगे वो किसके लिए काम कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, बराबर है। अब बताइए फटाफट यहां पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे बेटा, कौन होंगे होल्स, और माइनॉरिटी कौन रहेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पर अगर मैं बोलूंगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स और माइनॉरिटी कौन रहेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, आई बात समझ में। तो इस तरह से रहा ये हमारा कौन सा, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां तक समझ के सबको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग चार्ज कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर काम करेंगे बेटा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और थ्योरेटिकल चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आई होंगी तो यहां पर बाकी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब चार्ज कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है देखिए, ठीक है। अब इस चार्ज कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चीजें आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी, और इसका रिलेशन आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में देखो, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर क्या है, आपके पास जितने नंबर ऑफ होल होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर है। मतलब क्या मैं एनी इज इक्वल टू एन एच लिखू, क्या लिखना पड़ेगा, एनी इज इक्वल टू एन एच। ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी, बराबर है। तो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा के ऊपर काम करेंगे यहां पर। लेकिन मुझे बताइए सिग्मा के ऊपर तो काम करेंगे, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखू किसी भी मटेरियल में, अगर मैं यहां पर मान के चलता हूं यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, यहां पे किसी को समझ में ना है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे, तो ये खाली दिख रहा ना, आपको समझ में आना चाहिए। मान के चलो बहुत ज्यादा क्या कह रहे आप लोगों ने,
हीट प्रोड्यूस करोगे तो यहां का इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे जाएगा, तो यहां पे क्या बने, डॉट्स बने। तो ये डॉट्स किसकी तरह काम कर रही है, माइनॉरिटी, समझ में आया। तो यहां पे मेजॉरिटी किसका हो गया, होल्स का, ठीक है। हाँ चलो, कहां पे थे अपन, थर्मल कंडक्टिविटी के साथ। हाँ, तो मान के चलो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन, और क्या दिख रहा है, होल। इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ना, अगर मैंने क्या लगा यहां पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इसके आगे बढ़ने का और ये जो होल है ये बाहर साइड वाले से इलेक्ट्रॉन खींचने का, दोनों की अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो फटाक से बोलिए किसको ईज होता है, किसको ईज फील होगा आगे जाने के लिए, इस सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन को या फिर ये वाले पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो किसका करंट आपको ज्यादा नजर आएगा, मतलब करंट की स्पीड किसकी ज्यादा होगी, मतलब या फिर आपके चार्जेस का मोशन किसका ज्यादा रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उसका या पॉपअप करने वाले होल्स का, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो याद रखना, अगर आप देखते हो मोबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, एज कंपेयर टू ये वाले इलेक्ट्रॉन जो पॉपअप होते जाएंगे किसके साथ, होल्स के साथ, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। याद रखिएगा, ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू डबल होती है, मतलब ईज ऑफ मोशन या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई। तो यहां पे हम लोग उसी के ऊपर काम करेंगे, सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर रहेगा। ध्यान से देखिएगा किस तरह से, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, याद होगा बेटा कौन सा, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी करंट कंडक्टिविटी, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, बराबर है। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग दैट इज वन बाय रो को क्या लिखा करते थे, याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के फॉर्म में, क्या था फॉर्मूला याद है आपको, वन बाय रो, व्हाट इज द रो, या फिर सिग्मा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ई के फॉर्म में, व्हाट इज दिस, जे बाय ई। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, दैट इज जे बाय ई, व्हाट इज द जे, दैट इज करंट डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देयरफॉर सिग्मा की वैल्यू, अब तो बताइए जे की वैल्यू क्या होती है, दैट इज एन ई वी डी, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज और हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय ई होता है, जो बचा है वैसे, ठीक है। सो देयरफॉर सिग्मा की वैल्यू बनेगी, और वीडी बाय ई होता है बेटा कौन सा, दैट इज म्यू, तो आपका बनेगा एन ई इंटू म्यू, और ये होता है हमारी क्या, दैट इज म्यू मतलब होता है मोबिलिटी, क्या होता है, मोबिलिटी, किसको बोलेंगे मोबिलिटी, म्यू को बोलेंगे, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज वीडी बाय ई के बराबर होंगी, इसको याद रखना है। तो ये बना है हमारा कौन सा, सिग्मा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं सिर्फ इंट्रेंसिक की बात करूं तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में सिग्मा टोटल लिखना पड़ेगा बेटा कौन, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल्स की मोबिलिटी अलग अलग होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ है और जो हमारा होल बचा है, दोनों की मोबिलिटी अलग होगी, जिसकी वजह से मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा फॉर होल। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, व्हाट इज द सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन, हम लोग यहां पे लिख सकेंगे दैट इज एन ई ई म्यू ई प्लस एन एच ई इंटू म्यू एच। ये बात समझ में आई। आप यहां से सिग्मा टोटल इक्वल टू ई कॉमन निकाल सकते हो इन ब्रैकेट, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, इस तरह से भी लिख सकते हो। ये रहा हमारा किसका, सिग्मा की वैल्यू किसके लिए, इंट्रेंसिक के लिए। आई बात समझ में। आगे अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग क्या देखेंगे, एक्सट्रेंसिक के लिए भी देख सकते हैं, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इस एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में पहले तो चीज हम लोग देखेंगे एन टाइप के लिए। अब इस एन टाइप के लिए समझ के चलिए बेटा कौन सी चीज, कि हम सबको पता है कि नंबर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। सिमिलरली अगर पी टाइप के बारे में देखें तो पी टाइप में हमको पता चलता है कौन सी चीज, नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो यहां पे याद रखना, दोनों में एक चीज एक रिलेशन बनाता है, और ये रिलेशन आता है एक फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हमारा कौन सा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू हमारा बनेगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर उसका स्क्वेयर। ये रिलेशन देता है किसके लिए, एनी और एनएच के लिए। अब देखो यहां पर एक चीज है एट एनी टेम्परेचर, यह भी बात समझ के चलिए, एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या बोलता है देखो, व्हाट इज दिस एन आई, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या दिख रहा है आपको, बोलो फटाक से।
आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स भी है और होल्स भी है। लेकिन मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर देखूं तो यहां पे हमको एक बात समझ में आती है, कौन सी चीज, कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो होल्स घटेंगे। मान के चलो अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो होल्स घटेंगे, तब जाके एनआई हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आई, क्लियर हो गया कंसेप्ट। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो भी जितने भी चार्ज आपके कैरियर होंगे उसका स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ होल्स फॉर द पर्टिकुलर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो एनआई स्क्वायर के बराबर होगा। इसका ना कोई अपने पास डेरिवेशन है, ना भी कोई अपना एनसीईआरटी अपने को डेरिवेशन देता है, डायरेक्टली एक रिजल्ट देता है जिसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। आई बात समझ में? तो मान के चलो कि अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका नंबर ऑफ इंप्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, ठीक है, इंप्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम लोग मान के चलो दैट इज, अब मुझे बताइए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, कहां पे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारी मेजोरिटी चार्ज कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है जो बाहर निकला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोनर इंप्यूरिटी। क्या बोलेंगे? डोनर इंप्यूरिटी, क्योंकि ये जो इंप्यूरिटी है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जिसके वजह से यहां पे हम लोग नाम देंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन नंबर को, जितने नंबर्स में हम लोगों ने इंप्यूरिटी ऐड की उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनडी बोलेंगे। अब याद रखना यहां पे एनडी की वैल्यू लगभग, यहां पे समझ के चलिए दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लगभग किसके बराबर हम लोग मानेंगे, एनडी के बराबर मानेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर एनी इज व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सर हमारे इंप्यूरिटी के नंबर के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, मतलब जिस नंबर से हम लोगों ने उसको ऐड किया। तो बेटा नहीं, याद रखना मैंने क्या बोला कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के भी जाने वाले हैं और क्या क्रिएट करेंगे, होल्स क्रिएट करेंगे। तो ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं किसके बराबर है, एनडी के बराबर है, और ये हमारे कौन है, दैट इज टोटल अगर मिला है तो क्या बनता है, एनई। लेकिन मैंने क्या लिखा, दैट इज नियरली इक्वल टू एनडी, दैट इज एनई इज नियरली इक्वल टू एनडी। तो ये आपको क्या इंडिकेट करेगा, इसलिए लिखा मैंने क्योंकि आपके नंबर ऑफ अदर चार्ज कैरियर बिकॉज ऑफ द डोनर क्या है, ज्यादा होंगे किसके एज कंपेयर टू जो आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसकी संख्या ज्यादा होगी, अब ज्यादा होगी तो हम लोग इसके हिसाब से इस फॉर्मूला अगर हम लोग डालते हैं दैट इज नंबर ऑफ होल्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज एनआई स्क्वायर, और एनडी यहां पर अगर लिखेंगे तो ये नीचे क्या आएगा, दैट एनडी। तो कितने नंबर ऑफ आपके होल्स निकल आएंगे ये आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सिमिलरली पी टाइप के लिए, किसके लिए, पी टाइप के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इंप्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए, एन एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि ये जो क्या कर रहा है बोलो, दैट दिस होल ये क्या कर रहा है, इंप्यूरिटी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको वजह से हम लोगों ने इसको नाम दिया दैट इज एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग क्या बोल सकते, दैट इज एनएच इज नियरली इक्वल टू एनए। ये बात समझ में आई? तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूं तो ये फॉर्मूला जो दिख रहा है इस फॉर्मूले में हम लोग अगर पुट करें तो हमारा यहां पर एनई की वैल्यू निकाल सकते हैं दैट एन आई स्क्वेयर डिवाइड बाय एनए। आई बात समझ में? चलो इसके बाद समटाइम्स एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का आपको जे भी पूछ सकता है, जे इज व्हाट, दैट इज करंट डेंसिटी। तो जो मैंने अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया उसी के आधार पे आप जे निकाल सकते हो। व्हाट इज द जे, क्या होता है हमारा जे, दैट जे इज इक्वल टू हमारा होता है सिग्मा इंटू ई। बराबर है? तो फटाफट बोलते चलिए सिग्मा इंटू ई, तो मुझे बताइए जे इज इक्वल टू आपका सिग्मा क्या हो सकता है, सिग्मा किसके लिए बेटा बोलो, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस सिग्मा किसके लिए, होल के लिए। हम लोगों ने क्या कॉमन निकाला, ई निकाला। अगर सिग्मा की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो सिग्मा इज व्हाट, दैट सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, तो उसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनेगा और ई निकलेगा कॉमन, ये रहा हमारा कैपिटल ई, ब्रैकेट में बचेगा कौन सा, दैट इज एन ई इंटू बोलो म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। ये रहा आपका क्या, मोबिलिटी के फॉर्म में जे का फॉर्मूला। अब डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हो या सिर्फ आप सिर्फ सिग्मा के लिए भी फॉर्मुलेशंस बना सकते हो। आई बात समझ में? इसके अलावा आपको करंट पूछा जा सकता है कि देखो कोई भी हो, एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक हो, दोनों में से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा ही होगा। तो अगर करंट फ्लो होता है तो करंट का फॉर्मूला भी आपके पास अवेलेबल है, कौन सा, दैट इज ई एन ए
वीडी, बराबर है। अब यहां पे देखिएगा वीडी इज व्हाट एट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स के लिए कैसे हो सकती है, अलग अलग हो सकते हैं। तो मुझे बताइए अलग अलग होगा तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मोबिलिटी के ऊपर। तो अगर मोबिलिटी के फॉर्म में अगर लिखने जाए तो वीडी का पैसे मुझे फॉर्मूला बताइए जो उसको चेंज कर सकेंगे हम लोग। कहां पे हम लोगों ने देखा वीडी, ये यहां पे देखा वीडी क्या होता था, वीडी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। तो क्या इस फॉर्मूले को आई इज इक्वल टू ई एन ए, हाँ बोलो, ई इंटू म्यू लिख सकते हैं, बराबर है। अब मुझे बताइए यहां पर हमारे कौन से कैरियर्स है, दैट आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ई। अब यहां पे आपको समझ में आया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, दैट इज नंबर्स ऑफ टोटल चार्ज कैरियर। तो मैं इसको क्या लिखूं, एन टी, क्योंकि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, टोटल करंट के बारे में बात कर रहे हो। तो टोटल किसके किसके वजह से फ्लो रहा है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एन टी ए इंटू ई, और यहां पर म्यू की जगह पर क्या आएगा, बोलो फटक से, म्यू क्या था हमारा, मोबिलिटी। तो ये मोबिलिटी किसके लिए होगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होगी, और मोबिलिटी किसके लिए होगी, होल्स के लिए भी होगी। और ये डायरेक्टली आपको करंट फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा, आई बात समझ में, ठीक है। और इसके ऊपर अपन देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सुनाओ, जो मैंने अपन फॉर्मूला देखा था दैट इज एनी इंटू एन एच इज इक्व टू एन आई स्क्वेयर, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया दैट इज सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5×10^28 एटम्स पर मीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट अर्सेनिक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट एना इज इक्वल टू 1.5×10^16 पर मिलियन। सो बेसिकली यहां पे Ne और NH का वैल्यू निकालना है, और Ni की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्या है, दी हुई है। तो Ni की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.5×10^16 पर मीटर क्यूब, ये बात समझ में आई। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अर्सेनिक को क्या किया, एज अ डोपेंट्स करके यूज किया, बराबर है। तो अर्सेनिक क्या हमारा ट्रैवेलेंट होगा या पेंटावेलेंट होगा, तो बेटा ये हमारा पेंटावेलेंट होगा, इसका मतलब ये डोनर है और इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स देगा मतलब हमारा मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहां पे कौन होगा, एन आई होगा, या मतलब एन ई होगा, या एन एच होगा, एन ई होगा। तो मैं क्या इसे बोल सकता हूं कि दैट एन ई इज नियरली इक्वल टू दैट एन डी, व्हाट इज दिस एन डी, डोनर, नंबर ऑफ डोनर मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। कितने में यहां पर दिया है, दैट इज आपके टोटल एटम्स कितने दिए क्रिस्टल में, 5×10^18, उसमें कितना इंप्यूरिटी ऐड किया है, 1 ppm, दैट इज पार्ट पर मिलियन, मतलब इस एटम में इतने के हिसाब से उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो आपके पास कितने एटम्स है, 5×10^28, और मल्टीप्लाइड बात करोगे 1 ppm से, 1 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, पर मिलियन मतलब होगा 10^16, अगर भाई 6, तो इसको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने कितने से, 1 ppm से, और 1 ppm लिखना मतलब ही क्या, 1/10^6 लिखना। तो यदि हम इसको सॉल्व करते बेटा तो क्या बनेगा, 5×10^22, ये बनेगा 22, और यही होगा हमारा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो मेरा पहला आंसर निकला है, बराबर है। और इसी के हिसाब से हम लोग अगर Ne इंटू एन एच इज इक्व टू एन आई स्क्वेयर के हिसाब से फॉर्मुलेशन करें, तो अगर मैं एन एच की वैल्यू लिखू तो एन एच इज इक्व टू एन आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन आई, दैट इज 1.5×10^16 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे हम लोग लेके जाएंगे, और यहां पे देखो वही फॉर्मुलेशन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एनी की वैल्यू मतलब ही कौन, एनडी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे बेटा, जो मैंने स्टार्टिंग में लिख के दिया है, और हम लोग एनडी नीचे लेके आएंगे, एनडी नीचे आए मतलब कितना, 5×10^22। यदि अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपका एन एच की वैल्यू निकल के आएगी, और यही किसका नंबर होगा, होल्स के नंबर होंगे, और ये मुझे सॉल्व करके बताना है कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। So in that question, there is a germanium plate, okay, having thickness 1.2×10^-3 meter, और इसका एरिया दिया है that 2×10^4, यहां पे पकड़ेंगे 4 m², ये दिया है उसका एरिया, ये दिया उसका थिकनेस, और एट अ रूम टेम्परेचर यहां पे हम लोगों ने क्या किया, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन यूज किया किसका, इंप्यूरिटी का, दैट 1.6×10^6, दैट इज PCM, that is per cubic meter, और यहां पे mobility दी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की और आपके होल्स की, और यहां पे दी है, तो आपको निकालना है एट दैट रूम टेम्परेचर फाइंड द करंट प्रोड्यूस और हाउ मच हीट इज जनरेटेड इन प्लेट इन 100 सेकेंड, क्या दिया है 100 सेकेंड, लूज नहीं है ये 100 सेकेंड, ये बात समझ में आई। तो ये रहा अपना क्वेश्चन जो बड़ी इसमें दिया है, जिसको मैंने शॉर्ट करके आपके सामने रखा है, ठीक है बेटा।
तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको करंट निकालना हो तो करंट के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो करंट का फॉर्मुलेशन डायरेक्टली मैंने आपको इसके पहले वाले कंसेप्ट में दिया था, दैट इज एन ई ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, दैट इज ई इन ब्रैकेट म्यू, कौन सा, दैट इलेक्ट्रॉन प्लस म्यू ऑफ होल्स, ओके। तो यहां पे हम लोग दैट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ओके, ये पर वॉल्यूम, तो यहां पे आपको दिया है कितना दिया है, सॉरी ये वाला रहा, दैट इज 1.6 इनटू 10 टू द पावर 6, जो एसआई यूनिट में दिया है ऑलरेडी। यहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, दैट 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 इनटू एरिया दिया दैट 2 इनटू 10 टू द पावर 4 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दी नहीं है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा आपके कहां से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तो हमको पता है दैट E इज इक्वल टू V बाय D हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था, याद होगा। तो V बाय D, तो D का मतलब यहां पे क्या रहा, थिकनेस रहा, तो हमारे पास V की वैल्यू रही हाउ मच, 5 डिवाइडेड बाय D की वैल्यू बनेगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये लगभग आपका -5 बाय 12 इंटू 10 टू द पावर -3 -4 ऊपर जाएगा +4, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो E की वैल्यू रही 5 बाय 12 इंटू 10 टू द पावर 4, और म्यू ई और म्यू एच की वैल्यू दैट 0.4 प्लस 0.2 इज हाउ मच 0.6, तो डायरेक्टली मैं यहां पे 0.6 लिखता हूं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो एक आपको आंसर मिलेगा, तो ये रहा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 2, या फिर 2 6 करके देखो तो आपको बनेगा दैट 5 बाय 6 इंटू 0.6, ओके। और अगर मैं पावर का यहां पे इस्तेमाल करूं, दैट इज 6 बनेगा दैट 4 प्लस 4 इज हाउ मच 8, 8 प्लस 6 बनेगा आपका 14 और ये -19 कितना बनेगा -5। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, वो जो बनेगा आपका रहेगा करंट। ये बात समझ में आई, अब करके देखिए, कुछ लोग यहां पे कैलकुलेशन करना, बाकी लोगों ने यहां पे ध्यान देना है बेटा कौन सा, कि अगर हमको हीट निकालना है, क्या निकालना है, हीट निकाला कितने सेकंड में, 100 सेकंड में, तो दैट हीट डिसिपेटेड अगर मैं वी के फॉर्म में निकालता हूं तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच इज इक्व टू वी दैट पोटेंशियल इंटू करंट आई इंटू टी। तो आपके पास ऑलरेडी वी की वैल्यू है बेटा कितनी, दैट 5, और करंट कितना निकाला आपने, किसने कैलकुलेशन किया इसका, 1.28 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच -5 इंटू टाइम आपका रहेगा दैट इज 100। तो अगर आप करते हो यहां पे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपका 100 का चला गया कहां पे ऊपर, तो ये बनेगा 10 टू द पावर -3 बनेगा, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 28 करके देखो कितना बनेगा, दैट इज 6.4, इतना आपका प्रोड्यूस होगा हीट जूल में। आई बात समझ में, इस तरह से डायरेक्टली आपको आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। चलो,